आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे थिबे। मु सुभ्रकांत आपणको अनेक अनेक स्वागत जणाउची आमर अति प्रिय चैनल स्टडी स्पंदन को। सांग माने आमे आलोचना करूथिले जन्मभूमि प्रबंध जहाँ को रचना करिसंती ओडिसार विशिष्ट ऐतिहासिक प्रत्नतत्वविद एवं प्राबंधिक प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। आज आम यही प्रबंधटीर चतुर्थ पर्व आलोचना करवा, तेणु आ विलंब करवानी, आस आमर पाठटी को आज आलोचना करवा। एहिपरि श्रेणीर ग्रामवासीक मनरे मोर आउ स्थान नाही। प्राबंधिक कहुचंती, प्राबंधिक अभिमत पोषण करुचंती जे एहिपरि श्रेणीर ग्रामवासी मानक मध्यरे कोउ भली ना जो सांप्रतिक कालरे मनुष्यर जो ए जो शिक्षित समाज तार जो प्रचलित शिक्षा पाखरे जो आपणार सकल मौलिकता को बा मानविकता को उत्सर्ग कर आज अमणीष पलटि जाइछि एवं राजनीतिक कलर हात बारिशी साधिछि एवं गाँव को सतधावा बहुत विभक्त कर सारा से ही ग्रामवासी मानक मध्यरे मोर आउ स्थान नाही। एमानंकर पुणी आउ कौन कहउचंती प्राबंधिक ना एमानंक कर्म योजना रे मध्य स्थान पाइबा आउ संभव नुहे। तांकर जो कर्म अछि से कर्म योजना रे बा ग्रामवासी मानंकर काम रे आउ स्थान पाइबा मध्य मोर संभव नुहे। स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म और क्लेश मध्यरे ग्रामवासी मानक भितरे अन्य एक प्रकार एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात होइथाए। ताले लेखंदु एडी बढ़िया कथा कहिले प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही कौन कहउचंती ना स्वार्थर विभेद सत्वे एठी देखा जाए स्वार्थर विभेदता स्वार्थर पार्थक्यता मतांतर मनांतर गाँव में देखा जाए। तथापि कर्म आउ क्लेश जो कर्म थाए आउ जो क्लेश थाए जो शारीरिक पीड़ा थाए ता भितरे गाँववासी मानक मध्यरे एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात होइथाए। देखंतु मुझे ताकू नाली रंग कर देछि एहा एक दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ना नाही। हाँ ताले ग्राम रे देखा जाउथुवा एक परिवारत्वर परंपरा संपर्क रे प्राबंधिक कौन कहिबाक चाहउचंती ना गाँव रे जो कर्म योजना अछि एहि कर्म योजना रे प्राबंधिक स्थान न थाई पारे किंतु स्वार्थर विभेद सत्वे ए जो गाँवर कर्म एवं क्लेश मध्यरे ग्रामवासी मानक भितरे जो एक परिवारत्वर जो भाव थाए ताहा आपे आपे जात हो जाए। किभली जात हो जाए आम देखा वीडियो टी पूरा देखते जदि आप पूर्व पाठर वीडियो गुड़ा देखी ना मुझ आई बटन रे बा डिस्क्रिप्शन रे लिंक देती आप देखने देखूँ आउ कौन कहते प्राबंधिक निदाघर निराट झांजीरे लंगल मुनरे धरणीर बक्षचिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाहि रुहंती। मो गाँ मो पल्लीपुर बासिंदा मो ग्रामवासी माने निदाघर निराट झांजीरे निदाघर माने वैशाखर प्रखर निदाघ किंबा जो आद्य आषाढ़र स्तूपीकृत मेघ से जो निदाघर निराट झांजी खरा दिन तार जो झांजी पवन से लंगल मुनरे निजर लंगल धरी आजिकल तो लंगल देखिया प्राय स्वप्न हो गला ना ना ट्राक्टर चाष कर धरणीर बक्ष चिरी ना ना मो फटामाटीर फुंगुला पिठी को चिरी मो फटामाटीर फुंगुला पिठी जहाँ आकाश को चाह रही थाए ना ना तार बक्ष को मो ग्रामवासी माने चिरी समस्ते नुआ मेघ को चाह रही समस्ते आद्य आषाढ़र बारिपात आद्य आषाढ़र बारिधारा को प्रतीक्षा करती एवं ज्येष्ठर शेष बेलू स्तूपीकृत मेघ घन हाँ स्तूपीकृत मेघ घन श्याम गिरिराजीर मस्तक रु धीरे धीरे अगणित शाळत रूपर को आनत हो आसे। ज्येष्ठर शेष बेलू स्तूपीकृत मेघ ज्येष्ठर शेष समय बेलू जेतेबले आद्य आषाढ़र निविड़ सबुजी माघेरा उन्नत पर्वत शीर्षक मेघमंडल ओह्लाई आसे। मेघर घन घन गर्जन और बिजुलीर चमक मध्यरे माटी उपरे झड़ी पड़े मुसल धारे वृष्टि ना ना ताले स्तूपीकृत मेघ स्तूपीकृत कहले कौन ना स्तूपीकृत कहले जो जमा होता एकाठी होता बा घनीभूत होता मेघ घन 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 मेघ ना ना माने श्यामलीमा मेघ रंगर श्यामलीमारे गिरिराज मस्तकरु श्याम गिरिराज मस्तकरु श्यामल गिरी
ପାହାଡ଼ର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ରାଶି ରାଶି ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ବର୍ଷା ନତ ହୋଇଆସେ ବା ଉହ୍ଲାଇ ଆସେ ବର୍ଷା ବା ଝରି ପଡ଼େ ବର୍ଷା। ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଶବ୍ଦ କରି ଚାରିପଟ ଦିଗକୁ ସେ କମ୍ପାଇ ବାରିପାତରେ ପଲ୍ଲୀଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଦିଏ, ପଲ୍ଲୀଭୂମିକୁ ମୋ ଗାଁର ମାଟିକୁ ଓଦା କରିଦିଏ, କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ କରିଦିଏ ନା ନାହିଁ। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟ ଦୁତିର ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିକ୍ତ ଭୂମି ମାନେ ଓଦା ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ ନା ନାହିଁ। ମୋ ମାଟି ମାଆର ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ବାରିପାତ ମୋ ମାଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପଡ଼େ, ତା'ର ଯେଉଁ ମହମହ ବାସ୍ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ମହମହ ଅତର ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଅତର ତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ଜମା ନୁହେଁ ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ବନ୍ୟଜୁଥିର ମାନେ ବଣ ଜୁଇର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବଣ ଜୁଇର ପରିମଳରେ, ପରିମଳ କହିଲେ ତା'ର ସୁବାସରେ, ମୋ ମାଟିର ସୁବାସ, ମୋ ମା ମାଟିର ବାସ୍ନା, ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ୟ ମଲ୍ଲିର ବା ବନ୍ୟଜୁଥି ଜୁଇ ଫୁଲର ପରିମଳରେ ତା ଯେଉଁ ସୁବାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଜ ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଆଁ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ ନା ନାହିଁ। ଆଁ, ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ, ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ ନା ନାହିଁ। ଆଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ଏଇ ଦିନ କୁଆଁରୀମାନେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଦରେ ଗୁଆ ଖୋଳପା ବା କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ଜୋତା ତିଆରି କରନ୍ତି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏବେ ତ ହାଇ ହିଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଏବେ ହାଇ ହିଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ରବର ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମସିଣା ଉପରେ ବସନ୍ତି ସେହି ରଜ ପର୍ବ। ସେହି ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହୁଏ, ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ନା ନାହିଁ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ଏବଂ ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀକୁ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଁ, ତାହେଲେ ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ରଜ କୁଇନ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ରଜଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆଁ, ପହିଲି ରଜ, ମଝି ରଜ, ତାପରେ ଆସେ ମଝି ରଜ ଯାହାକୁ ଆମେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହୁଛେ, ତାପରେ ଆସେ ଶେଷ ରଜ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସେ ଯେଉଁ ଦିନଟି ତାକୁ ଆମେ କହେ ଭୂମି ଦହନ ନା ନାହିଁ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏଇ ରଜ ପର୍ବ କ'ଣ କରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏହା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଚଷା ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ। ଏଇ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ ଜୁଇର ସୁବାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ, ଅତି ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ, ଉଦ୍ବେଳ କହିଲେ କ'ଣ କି, ଉଚ୍ଛଳିତ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏବଂ ମହାସମାରୋହରେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ? ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସେ ନା ନାହିଁ? ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ, ଏକଥା ଲେଖକ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଲେଖକ ଏଠି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ମହାସମାରୋହରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିସାରନ୍ତି, ତାପରେ ଜୀବନର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ମାଡ଼ି ଆସେ, ଦେହର ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି କୃଷିଜୀବୀମାନେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଶସ୍ୟ ଗର୍ଭା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କି? ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କର, ସେହି ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କର, ସେହି କାୟକ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଓ ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଦେହ, ଏବଂ ସେହି ଧରାହତ ବର୍ଷାରେ ସେହି ଓଦା ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ନିଜର ଶ୍ରମ ଝାଳରେ ସିକ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଧାନର ବିଭା ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଧାନ ଖେଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହେଉଛି ଧାନ, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ। କ୍ଲାନ୍ତ, ସିକ୍ତ, ଧରାହତ, କ୍ଲାନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ, କ୍ଲାନ୍ତ ଜାଣିଛେ ଆମେ କ'ଣ, ପୁରା ଯେଉଁ କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ। ଏବଂ ସିକ୍ତ କହିଲେ ଓଦା, ଧରାହାତ ମାନେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଓଦା ହୋଇ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମାବେତ, ଯେଉଁ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଏକାଠି ଯେଉଁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଏକତ୍ର ହୋଇ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ, ମୋ ଧରଣୀ, ମୋ ମା, ମୋ ମାଟି ମା ଶସ୍ୟ ଗର୍ଭା ହୋଇ ଉଠେ।
ओ हेमंतर स्वर्ण शिष्य ध्यान ग्रामभूमि पूर्ण हो जाए एवं जितने हेमंत ऋतु आसे मो गाँर स्वर्ण शीर्ष स्वर्ण शिष्य कहले कौन ना जार शीर्ष भाग स्वर्ण भलिया ना नाई जार शीर्ष माने जो शस्यर शीर्षटा स्वर्ण भलिया कौ शस्य धानर ए जो धान्यरे मो ग्रामभूमि पूर्ण हो जाए से तो मधुसूदन राव लिखी जो चाषी मैंने आनंद धान काटला बेले जो कौन गाँव कवि मधुसूदन राव तो भाषा लिखी ना कौन ना पक्वशाली पूर्ण केदार देखी कृषक गण गीत गाई शस्य काटती अति हरस मन लिखी ना नाई मधुसूदन राव अच्छा तापर कौन अच्छे आम आलोचना करवा तापर प्राबंधिक ये कहते ग्रामर यही जे श्रृंखलित कर्म योजना अच्छी से मोर आउ स्थान ना ताले ये जो गाँर जो ग्रामवासी माने जो पल्लीवासी माने माने जो पृथ्वी को शस्य श्यामला कर दिखती जत्न समवेत जत्न से जो कर्म अच्छी से मोर स्थान ना ग्रीष्मर झांजीरे हो खरार उदुदिया खरा बेलर जो पवन कि बर्षार झड़े ना ना एवं हेमंतर शीतर यही कर्म योजनार कौन स्थान में अंश नापी मोर भौतिक शक्तिर अभाव नैतिक शक्तिर अभाव रही पे मुझे जोटा को मुझे सबुज रंग करा क्षुद्र उत्तरमूलक भाव देखिए बही पाइबे आसी ये देखीदे ना ना ताले जो आमर कौन लेखक जे माने से कहीं जो ग्रामर कर्म योजन स्थान पाई ना ताकर भौतिक शक्ति थिले नैतिक शक्तिर अभाव रही लेखक व प्राबंधिक ये मन दुख कर गाँवें जो कर्म योजना अच्छी से भौतिक शक्ति व शारीरिक सामर्थ्य थिले नैतिक शक्तिर अभाव रही कारण अभिजात मनीष आज अभिजात श्रेणी में पहुँची जाए गाँर मटी बा गाँर पल्लीभूमि तार जो ता प्रति जो करिवार जो कर्तव्य ना ना ताकु सीए करना केवल मनोभाव अभाव रही एणु मु मो जन्मभूमि खाली मनरु नुहे कर्मरु विच्युत हो पड़ी मुझर ये कम गाँर जो कम से कम जोग दे पारुनी से विच्युत हो पड़ी खाली मनरु मु गाँ प्रति अलग हो जाए कर्मरु अलग हो जाए से कम मुझे कारण मोर नैतिक शक्ति मानने भौतिक शक्ति थी मोर नैतिक शक्तिर अभाव रही आउ कौन पुणी कहते प्राबंधिक आउ कौन अभिमत दौरान ना मनुष्य को सब बड़े जुक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे से बहु परिमाण रे गतानुगतिकतार दास देखते ये आईला कौन ना आमर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आईला जहाँ अच्छी बही देखिए आप 44 नंबर अच्छी मनुष्य को बहु परिमाण रे परंपरार दास बोली कहार यथार्थता कौन अच्छी मनुष्य को गतानुगतिकतार दास दास कहीं कह गतानुगतिक दास मान जो आम देखा गतानुगतिक कहले कौन ना गतानुगतिक कहले जो प्रचलित प्रथा अनुसार से परिचालित मनुष्य ना ना ताले किभली मनुष्य प्रचलित प्रथा अनुसार परिचालित होना अभिजात चिह्न बोली अभिजात संभ्रांत पणिया बड़ लोकिया जो कहते हैं अभिजात्यर चिन्ह बोली बेचित निरर्थक नेक टाई को छाड़े ना 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 टिके जदि बड़ बाबू हो गले नेक टाई कहले तो जानपर बेकर पिंधाई जो टाए ताकू छाड़े ना मनुष्य काय क्लेश न सह अभिजात्यर चिन्ह तापर अर्थपूर्ण अभिजात्यर चिन्ह को किए बा कहीं छाड़ब ताल ये प्राबंधिक कहते जे काय क्लेश न सह अभिजात्यर चिन्ह जदि आम बड़ लोकिया चिन्ह वी आम संभ्रांत पणियार चिन्ह आम हूँ काय क्लेश न सह काय क्लेश मान अभिजात्यर अहंकार श्रमकुंठा करवा आम जाने आधुनिक मनीषर गोटे प्रधान परम शत्रु हूँ किए श्रमकुंठा ना ना अभिजात ना कौन कर प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक श्रम प्रति विमुखता प्रकाश कर ना ना तांगे जहाँफल ग्राम्य जीवन सहित तो आम गोटे कौन गोटे व्यवधान सृष्टि होेणु अभिजात्यर चिन्ह जदि आम श्रम जदि नक हूँ अभिजात्यर चिन्ह तापरी अर्थपूर्ण अभिजात्यर चिन्ह को किए बा कहीं छाड़ब ताल ये अर्थपूर्ण अभिजात चिन्ह को किए कहीं छाड़ब जदि आम श्रम न करी श्रम प्रति आम कुंठा पोषण करी आम कौन काम न कर खाली बेकर टाए पिंधा ताल से जो अभिजात से जो संभ्रांत पणिया से चिन्ह को किए बा कहीं छाड़ब तापर देखु अच्छी
समस्त शिक्षित काय क्लेश सहिबा को अक्षम नुहंती ताले समस्त शिक्षित समस्त पाठ पढ़ुआ छुआ शिक्षा कौनसी थारे मध्य लिखा जाए निजे पाठ पढ़ुआ छुआ बा शिक्षित व्यक्ति काम करिवे नाही बोली ना नाही आमे मध्य बिलरे काम करिवा एवं जो जेकोनसी शिक्षित संप्रदाय अछंदी सेमाने मध्य शारीरिक श्रम प्रति कुंठा पोषण करिवा अनुचित कारण समस्त शिक्षित काय समस्त शिक्षित व्यक्ति क्लेश सहिबा को अक्षम नुहंती सेमाने मध्य क्लेश सही पारे किंतु समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त किंतु समस्त शिक्षित आज अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त किंतु काम करने कुंठा प्रकाश करुँचना ना सहर चाकचक्य अंधीभूत हो जाती वृथा अभिजात्यर उद्भ्रांत होती शारीरिक श्रम प्रति विमुखता पोषण करुँचना ना एवं पल्लीर जो ममता एवं पल्लीर ममता को सी कौन कर छिन्न कर दौंट तेणु शारीरिक श्रम छाड़ा ही संभव होता है तेणु आभिजात मनीष छाड़ पार नहीं मिथ्या आभिजात को पोषण कर ना ना देखा जोटा को आम कहते हैं देखेबा से मनीष छाड़ पार ना कि शारीरिक श्रम छाड़देव परिश्रम करवा छाड़देव ता छड़ा कौन सी व्यक्तिर दैनिक आय पांच अणा बा पचास लक्ष टा हो पाए कौन सी व्यक्तिर दैनिक आय कौन सी व्यक्तिर दिनक आय पांच अणा हो पाए ना पचास लक्ष टा भी हो पाए जड़े जड़े पांच अणा कमेला बेलू आउ जड़े जड़े के कमे दौंट पचास लक्ष टा कमे दौंट कि जो कथा कमेबार कथा से कौन आईन राधा अच्छी कि आईन कौन क्या मना कर तुम एत टा कमे से टाँग कमेब यह कि अच्छी कि ना आईन रही बाधा ना कि धर्मर बाधा ना बा समाज निंदा ना समाज निंदा अच्छी जी अधिक पैसा अधिक टा रोजगार कर ताकू कौन आम समाज निंदा करे बा आम धर्म ताकू मना करे बा आईन ताकू कौन बाधा दिए कि ना बरंच बरंच कहले किंतु बा बरम मानवर समस्त नीति को पदरे दलिदी ऊर्ध्वश्वास धाई से जिते बेसी यही दीर्घ व्यवधान को कम करपे से बेसी जीवन युद्धर दिग्विजय वीर भाव में परिचित हुए ताले किंतु से कहते बरम मानवर समस्त नीति को पादरे दलिदी मानवर जो कौन सी नीति अच्छी से नीति को जदि पादर दौड़ दे मनीष ऊर्ध्वश्वास धाई जिते बेसी ये जो दीर्घ व्यवधान अच्छी ये पांच अणा बा पचास लक्ष भितर जो दीर्घ व्यवधान अच्छी ये व्यवधान को जी कम करपे ये व्यवधान को जी कमे पारे जी अधिक टंका रोजगार करपे से जीवन युद्धर दिग्विजयी वीर भाव में परिचित हुए सेते बेसी लोकता आदर करती जहाँ पाखे जिते टा जहाँ पाखे जिते धन लोकता से आदर करती समस्त से प्रशंसार पात्र हुए ताले जो टंकार व्यवधान को जी कमे पारे पांच अणा ठू कहीं पांच अणा कहीं पचास लक्ष ता भितर जे जो अच्छी आम पार्थक्य जी कमे पारे सीए समस्त प्रशंसार पात्र हुए समस्त आदर हुए जो जीवन युद्ध जो समाज से माने दिग्विजयी वीर भाव में परिचित हुए तेणु अभिजात श्रेणीर अंतर्भुक्त न हो ताकि आम बड़ बाबू न हो ताकि आम नेक टाए पिंधा बाबू न हो जदि खाली शारीरिक श्रम दीर्घ व्यवधान को किंचित मात्र कम करवा संभव नुहे ताले आम जदि ए जो अभिजात श्रेणी में न रही खाली शारीरिक श्रम जदि करवा व्यवधान को आम किंचित मात्र कम करवा संभव नुहे ताले आम शारीरिक श्रम देखा आउ बड़ बाबू नेक टाए पिंधा बाबू को देखा ताहले तांको भितर आकाश पातालर माने आकाश पातालर तफात रहुची काहेकि ना तांकर जो अभिजात श्रेणी में अंतर्भुक्त न हो जदि खाली आम शारीरिक श्रम करवा ताले जो आमर कम टंका रोजगार हो पारे किंतु जदि आम बड़ बाबू हवा आभिजात देखा संभ्रांत पणिया देखा नेक टाए पिंधा बड़ बाबू हवा ताहले आम कतरे प्रबल बा प्रचुर पात्र पैसा आसव तेणु शारीरिक श्रम को आजिकल लोक मैंने जमा पसंद करूना शारीरिक परिश्रम श्रम प्रति जो गोटे कुंठा जात हो जहाँकि आधुनिक मानवर परम शत्रु ना ना शिक्षित युवक कायक्लेश आभिजात मध्य आभिजात को पसंद करमपति कुंठा पोषण करुँचना ना कि निरर्थक और निष्फल जो नेक टाए बेकबंधा जो पिता ताकू पसंद करवि ये जो उक्ति कहते यथार्थ आशा करे भिडियोटी आपको निहाती भल लगे जदि भिडी भल लगला लाइक करेंगे आउ कमेट्रे जन कि लगला सांगसाथी मानक सांगे सेयार कर दे रही नमस्कार।